हे वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों अगर आपका ही बजट 15 से 16,000 के आसपास है फिलहाल और आपको चाहिए इस प्राइस रेंज पर एक बेस्ट स्मार्टफोन, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट एंड अल्टीमेट स्मार्टफोन अराउंड 15,000। हमने आपके लिए 5 ऐसे स्मार्टफोन को शॉर्टलिस्ट किया है जो कि ऑलमोस्ट ऑल राउंडर स्मार्टफोन होंगे। तो अगर आपका ही बजट 15 से 16,000 के आसपास है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वैसे तो गाइज ये 5 स्मार्टफोन अपनी अपनी जगह बेस्ट है, लेकिन फिर भी हमने इन 5 स्मार्टफोन को ओवरऑल स्पेसिफिकेशन के बेसिस पर रैंकिंग किया है। सो हम शुरू करेंगे लास्ट के नंबर से, नंबर 5 से। और नंबर 5 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है ये एक बहुत ही अच्छा गेमिंग फोन है। इसके साथ ही इस फोन का कैमरा परफॉर्मेंस भी काफी सही है। जी हाँ दोस्तों, इस फोन का नाम है Vivo T1 5G। प्राइस के अकॉर्डिंग काफी सारे अच्छे फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं, तो चलिए डिटेल में जान लेते हैं इस फोन के बारे में। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो ये फोन पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आता है, मींस प्लास्टिक का बैक और प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। पतला फोन है, सिर्फ 8.2 mm की थिकनेस है एंड 187 ग्राम वेट है, तो वेट भी ज्यादा नहीं है। ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी अच्छा है। इसके साथ ही अगर हम कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो ये फोन हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आता है, मतलब 2 5G सिम या फिर 1 सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। इस फोन में सिंगल स्पीकर लगा हुआ है, तो स्टीरियो स्पीकर नहीं है, लेकिन स्पीकर की आउटपुट अच्छा है। बायोमेट्रिक के लिए साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है जो कि फास्ट है। अच्छी बात यह है कि ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ आता है बेस्ड ऑन फन टच ओएस 12। 2 मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा आपको। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अच्छा रहने वाला है, लेकिन थोड़े बहुत ब्लोटवेयर जरूर मिलेंगे आपको। इसके साथ ही अगर हम कुछ मेन फीचर्स के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको मिलता है 5000 mAh की बड़ी बैटरी और उसी को चार्ज करने के लिए 18W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। बैटरी को फुल चार्ज होने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है, बाकी 1 दिन से ज्यादा का बैटरी बैकअप ये फोन आपको इजीली दे देगा। तो बैटरी बैकअप से तो इशू नहीं होगा आपको, लेकिन चार्जिंग स्पीड थोड़ी सी कम जरूर है। एटलीस्ट 33W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देना चाहिए था। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, इस फोन में लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 695 का 5G चिपसेट, जो कि एक बहुत ही अच्छा 5G चिपसेट है। 6 नैनोमीटर पर बना हुआ है, मींस पावर एफिशिएंट है, बैटरी कंजप्शन कम होगी। लगभग 4,10,000 के आसपास अंतुतु स्कोर देखने को मिल जाती है, जो कि चिपसेट के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा स्कोर है। UFS 2.2 का स्टोरेज है, LPDDR4X वाला रैम है, वर्चुअली 3 GB तक रैम बढ़ा पाएंगे। एंड ऑल्सो ये फोन 5-लेयर लिक्विड कूलिंग सिस्टम के साथ भी आता है, जिससे ये फोन बहुत ही कम हीट होता है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में अच्छा रहने वाला है। डे टू डे यूजर्स में कोई लैग और शटरिंग इशू देखने को नहीं मिलता है। आराम से आप नॉर्मल टू हाई लेवल की गेमिंग भी कर सकते हैं, अप टू 40 FPS तक गेम प्ले करवा सकता है ये फोन आपको BGMI में। वैसे इस फोन का जायरोस्कोप सेंसर अच्छे से काम नहीं करता है, तो अगर आप जायरो प्लेयर है तो शायद ये फोन आपके लिए बेटर ना रहे। खैर अगर हम कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको मिलता है सिर्फ 2 5G बैंड्स का सपोर्ट, जो कि है N77 और N78। तो इस फोन को हम फुल्ली फ्यूचर प्रूफ 5G फोन नहीं कह सकते, लेकिन ये जो 2 5G बैंड्स है मेन स्ट्रीम 5G बैंड्स है, तो हो सकता है 5G को लेकर आपको ज्यादा इशू ना हो। इसके साथ ही ड्यूल 4G वोल्टी का सपोर्ट है, वाईफाई कॉलिंग भी अवेलेबल है, ब्लूटूथ 5.1 वर्जन के साथ आता है। वैसे इस फोन में कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट नहीं है और NFC का भी सपोर्ट नहीं है, तो कनेक्टिविटी के मामले में ये फोन डिसेंट टाइप का है। बात करें कैमरा के बारे में तो कैमरा परफॉर्मेंस आपको अच्छा मिलता है। ये फोन ट्रिपल रियर कैमरे के साथ आता है, जिसमें से प्राइमरी सेंसर 50 MP का है जो कि सैमसंग का JN1 सेंसर है। सेकंड कैमरा 2 MP का है जो कि मैक्रो फोटो के लिए है, और थर्ड कैमरा भी 2 MP का है जो कि डेप्थ सेंसिंग के लिए है। तो इस फोन में आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं मिलता है। रियर कैमरे से आप 1080p में 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। वहीं फ्रंट में 16 MP का कैमरा दिया गया है जो कि वी नोच कैमरा है, और फ्रंट कैमरे से 1080p में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो ओवरऑल इस फोन का कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा है, डे लाइट में काफी अच्छे से परफॉर्म करता है, इवन लो लाइट फोटोग्राफी भी ठीक ठाक है। और वैसे भी वीवो के स्मार्टफोन में कैमरा से ज्यादा इशू नहीं होता है। हाँ अगर अल्ट्रा वाइड कैमरा होता तो और अच्छा रहता। वैसे फ्रंट कैमरे की परफॉर्मेंस भी अच्छा है। लास्टली डिस्प्ले के बारे में बात करें तो ये फोन 6.58 इंचेस की Full HD+ IPS डिस्प्ले के साथ आता है। 120Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है। 240Hz की टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है गेमिंग के लिए। Wide 1L1 सर्टिफाइड है, HDR कंटेंट प्ले नहीं कर पाएंगे। 500 nits की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, जो कि अच्छा ब्राइटनेस लेवल है IPS डिस्प्ले के हिसाब से। डिस्प्ले के ऊपर पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। तो ओवरऑल डिस्प्ले भी हमें अच्छा मिल जाता है, डिसेंट टाइप का है। डे टू डे यूजर्स में बहुत ही स्मूथ फील होगा आपको, बस इस नॉच के वजह से थोड़ा सा आउटडेटेड फील हो सकता है आपको।
फाइनली प्राइसिंग की बात करें तो 4128 के लिए 16000 रुपए है और 6128 के लिए 17000 रुपए और 8128 के लिए 20000 रुपए है और 1000 से 1500 रुपए तक का बैंक डिस्काउंट भी आपको मिल ही जाएगा। खैर इस फोन को भी अगर हम समराइज करें तो अगर आपको एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए 15 से 16000 के प्राइस पॉइंट पर जिसका कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा हो, स्पेशली सेल्फी कैमरा, डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी अच्छा हो और परफॉर्मेंस बेस्ट इन क्लास हो, तो डेफिनेटली इस फोन के साथ आप जा सकते हैं। ये रहे इस फोन के डिटेल, प्रोज एंड कॉन्स आप पढ़ सकते हैं। और गाइस नंबर 4 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है ये एक नॉन चाइनीज बेस्ट 5G स्मार्टफोन है। जी हाँ, इस फोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी M33 5G। ओरिजिनली ये फोन 20,000 के आसपास आता है बट फिलहाल ये फोन आपको 15,000 के नीचे मिल जाएगा और 15,000 के हिसाब से देखा जाए तो काफी अच्छा स्मार्टफोन है ये। सो क्या कुछ फीचर्स हमें देखने को मिलता है, चलिए डिटेल में जान लेते हैं इस फोन के बारे में भी। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो ये फोन पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आता है, मींस प्लास्टिक का बैक और प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 9.4 mm की थिकनेस है, मतलब ये फोन काफी थिक है, मोटा है एंड 215 ग्राम वेट है, तो वेट भी ज्यादा आप कह सकते हो। ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, बाकी थोड़ा सा बल्की फोन है ये। बात करते हैं कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में। तो ये फोन ट्रिपल स्लॉट के साथ आता है, मतलब 2 5G सिम और 1 मेमोरी कार्ड सेम टाइम पर लगा पाएंगे। सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर दिया गया है, तो स्टीरियो स्पीकर नहीं दिया गया है, लेकिन स्पीकर की क्वालिटी बहुत ही सही है और मोस्ट ऑफ द सैमसंग के फोन में स्पीकर से आपको ज्यादा इशू नहीं होगा। बायोमेट्रिक के लिए साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर अवेलेबल है जो कि काफी फास्ट है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 के साथ आता है, बेस्ड ऑन वन यूआई 4.1। सॉफ्टवेयर वाइज काफी स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। बाकी सैमसंग ने 2 मेजर एंड्रॉइड अपडेट देने का वादा किया है और 4 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा और ये काफी अच्छी बात हो जाती है। इसके साथ ही कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात करें तो ये फोन ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग के साथ आता है बिना अनाउंसिंग वाला। नॉक सिक्योरिटी मिल जाएगी, सैमसंग पे का फीचर दिया गया है, सिक्योर फोल्डर मिल जाएगा और भी कई सारे सैमसंग के फीचर मिल जाते हैं आपको। बात करते हैं कुछ मेन फीचर्स के बारे में। तो इस फोन में आपको मिलता है 6000 mAh की मैसिव बैटरी और उसी को चार्ज करने के लिए 25W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। बैटरी को फुल चार्ज होने में अराउंड 2 आवर्स लग जाते हैं और 1.5 से 2 दिन का बैटरी बैकअप इजीली मिल जाएगा इस फोन से आपको। और हाँ, ध्यान रहे आपको अडेप्टर नहीं मिलेगा। बात करें परफॉर्मेंस के बारे में जो कि आपको बहुत ही अच्छा मिलता है। इस फोन में आपको मिलता है सैमसंग का ही एक्जिनोस 1280 का 5G चिपसेट जो कि 5 नैनोमीटर पर बना हुआ है, मींस ये फोन पावर एफिशिएंट है। इस चिपसेट को आप स्नैपड्रैगन 695 इतना मान सकते हैं, इनफैक्ट उससे ज्यादा ही पावरफुल है। अराउंड 4 लाख के आसपास अंतत्व स्कोर देखने को मिल जाती है जो कि चिपसेट के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा स्कोर है। LPDDR4X वाला रैम है, UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप दिया गया है एंड वर्चुअली 8GB तक रैम बढ़ा पाएंगे और वहाँ वेपर कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है जिससे थोड़ी बहुत हीटिंग कंट्रोल भी हो जाती है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। डे टू डे यूजेस में कोई लैग और स्टटरिंग इशू देखने को नहीं मिलता है। आराम से आप मीडियम टू हाई लेवल की गेमिंग भी कर सकते हैं, लेकिन सैमसंग ने इस चिपसेट को गेमिंग के लिए अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं कर रखा है। कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो ये फोन 12 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है जिससे ये एक ट्रूली 5G फोन बन जाता है। 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट है, NFC का भी सपोर्ट दिया गया है, वाईफाई कॉलिंग अवेलेबल है, ड्यूल बैंड वाईफाई भी दिया गया है और ब्लूटूथ 5.2 वर्जन के साथ आता है। सो कनेक्टिविटी के मामले में सभी चीजें अवेलेबल है। कैमरा के बारे में बात करें तो ये फोन क्वाड रियर कैमरे के साथ आता है जिसमें से प्राइमरी सेंसर 50 MP का दिया गया है जो कि सैमसंग का ही JN1 सेंसर है। बाकी सेकंड कैमरा 5 MP का है जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है और इसके साथ ही 2 और कैमरे मिल जाते हैं वही 22 MP के जो कि बोके इफेक्ट और मैक्रो फोटो के लिए दिए गए हैं। रियर कैमरे से आप 4K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे और 1080p में भी 30 FPS तक। फ्रंट में सिर्फ 8 MP का कैमरा दिया गया है जो कि यूनोच के साथ आता है और फ्रंट कैमरे से 1080p में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस फोन का जो मेन कैमरा का परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा है, बाकी अल्ट्रा वाइड की परफॉर्मेंस डिसेंट टाइप का है और फ्रंट कैमरे की परफॉर्मेंस भी बिल्कुल डिसेंट टाइप का है। एटलीस्ट फ्रंट में 16 MP का कैमरा देना चाहिए था सैमसंग को। खैर चलिए डिस्प्ले के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। तो ये फोन 6.6 इंच की फुल HD प्लस TFT डिस्प्ले के साथ आता है। TFT का मतलब IPS डिस्प्ले ही है। 120Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट दिया गया है, 180Hz की टच सैम्पलिंग रेट मिल जाती है एंड अप टू 800 nits की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है जो कि बहुत ही अच्छा ब्राइटनेस लेवल है। वाइड वन एल्बम सर्टिफाइड है, HDR कंटेंट प्ले नहीं कर सकते आप और डिस्प्ले के ऊपर COG5 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। ओवरऑल डिस्प्ले काफी ब्राइट और क्रिस्प है, कंटेंट वॉचिंग के लिए काफी सही रहेगा ये फोन क्योंकि बड़ी बैटरी मिल जाती है, स्पीकर भी काफी लाउड है। प्राइसिंग की बात करें तो फिलहाल आपको 6128 के लिए 15,000 रुपए देने होंगे और 8128 के लिए 16,000 रुपए देने होंगे और 1500 रुपए तक का बैंक डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको ये 15,000 के नीचे मिल रहा है तो इस फोन को आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। ये रहे इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स आप पढ़ सकते हैं।
बात कर लेते हैं अपने तीसरे नंबर के स्मार्टफोन के बारे में। तो इस फोन का नाम है Moto G62 5G। रिसेंटली लॉन्च हुआ है ये फोन। जब ये फोन लॉन्च हुआ था तो उस टाइम इस फोन का प्राइस 19,000 के आसपास था, बट फिलहाल ये फोन आपको 15,000 के आसपास मिल जाएगा। दैट्स व्हाई इस फोन को हमने इस लिस्ट के अंदर रखा है। सो क्या कुछ फीचर्स हमें देखने को मिलता है, चलिए डिटेल में जानते हैं इस फोन के बारे में। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो ये फोन कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है, मीन्स प्लास्टिक का बैक और प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। बाकी वही मोटो का टिपिकल डिजाइन मिलता है। 8.5 mm की थिकनेस है एंड 184 ग्राम वेट है, तो थिकनेस और वेट ठीक ठाक है। साथ में ही IP52 की रेटिंग भी मिल जाती है, जिससे हल्का फुल्का पानी गिर जाता है तो कोई इशू नहीं होगा। ओवरऑल डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी अच्छा है। चलिए इसके साथ ही कुछ बेसिक फीचर्स जानते हैं। तो गाइज ये फोन ड्यूल स्टीरियो स्पीकर के साथ आता है विद डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट, और स्पीकर क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है, मतलब 2 5G सिम या फिर 1 सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। बायोमेट्रिक के लिए साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर अवेलेबल है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ आता है ये फोन विद नियर स्टॉक एंड्रॉइड। तो इस फोन के अंदर आपको किसी भी तरह के एड्स और ब्लॉटवेयर नहीं मिलता है। UI बहुत ही ज्यादा क्लीन और स्मूथ है, और मोटोरोला ने प्रॉमिस किया है 1 मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा इस फोन को, और 3 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट। तो सिक्योरिटी पैच अपडेट तो ठीक है, लेकिन 2 मेजर एंड्रॉइड अपडेट देना चाहिए था मोटो को। सो चलिए अब जानते हैं इस फोन के कुछ मेन फीचर्स। तो अगर हम बैटरी के बारे में बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है 5000 mAh की बड़ी बैटरी, और उसी को चार्ज करने के लिए 20W का चार्जर मिलता है आपको। तो चार्जिंग स्पीड कम है, बैटरी को फुल चार्ज होने में लगभग 2 घंटे का समय लग जाता है, लेकिन बैटरी बैकअप बहुत ही जबरदस्त मिलता है आपको। आराम से 1.5 से 2 दिन का बैटरी बैकअप ये फोन आपको इजीली दे देगा। अगर हम बात करें डिस्प्ले के बारे में तो ये फोन 6.5 इंचेस की Full HD+ IPS डिस्प्ले के साथ आता है। हाँ, तो AMOLED डिस्प्ले नहीं मिलता है, लेकिन 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है, और 240Hz की टच सैंपलिंग रेट भी है। 600 nits की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, जो कि ठीक ठाक ब्राइटनेस लेवल है। वाइड 1.1 का सपोर्ट है, बाकी HDR कंटेंट प्ले नहीं कर पाएंगे, और डिस्प्ले के ऊपर पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है। तो ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग डिस्प्ले भी हमें अच्छा मिल जाता है। ऑब्वियसली AMOLED डिस्प्ले होता तो ज्यादा बेहतर रहता, क्योंकि ये एक 5G फोन है, तो इसलिए इस फोन में IPS डिस्प्ले यूज हुआ है। वैसे दोस्तों डे टू डे यूजेस में बहुत ज्यादा स्मूथ फील होता है इस फोन का डिस्प्ले। चलिए कैमरा के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस फोन में आपको मिलता है ट्रिपल रियर कैमरा। प्राइमरी सेंसर 50 MP का है, जो कि सैमसंग का JN1 सेंसर है। सेकंड कैमरा 8 MP का है, जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है, और थर्ड कैमरा 2 MP का है, जो कि मैक्रो फोटो के लिए है। रियर कैमरे से आप 1080p में 30fps तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो हाँ, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इस फोन में जो चिपसेट लगा हुआ है वो चिपसेट 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता ही नहीं है। बाकी फ्रंट में 60 MP का कैमरा दिया गया है, और फ्रंट कैमरे से भी 1080p में 30fps तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो ओवरऑल इस फोन का जो कैमरा परफॉर्मेंस है एवरेज है। डे लाइट में रियर कैमरे की परफॉर्मेंस ठीक ठाक देखने को मिल जाती है हमें, लेकिन सेल्फी कैमरे में अभी भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। खैर चलिए परफॉर्मेंस के बारे में भी जान लेते हैं। सो गाइस, इस फोन में लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 695 वाला 5G चिपसेट, जो कि एक बैलेंस चिपसेट है। कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, 6 nm पर बना हुआ है, मीन्स पावर एफिशिएंट है, बैटरी कंजप्शन कम होती है। 4 लाख के आसपास अंततः स्कोर देखने को मिल जाती है, जो कि अच्छा स्कोर है। LPDDR4X वाला रैम है, UMCP का स्टोरेज टाइप दिया गया है, जिसे आप UFS 2.1 स्टोरेज से ज्यादा मान सकते हैं। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस हमें काफी अच्छा मिलता है। डे टू डे यूजर्स में किसी भी तरह का लैग और जिटरिंग इशू नहीं मिलता है। आराम से आप मीडियम टू हाई लेवल की गेमिंग भी कर सकते हैं इस फोन से। वहीं कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको मिलता है 12 5G बैंड्स का सपोर्ट, और ये काफी अच्छी बात हो जाती है। 4G कैरियर एग्रीगेशन का भी सपोर्ट है, और 4x4 मीमो का भी सपोर्ट दिया गया है, जिससे नेटवर्क और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिलता है हमें। वाईफाई कॉलिंग भी अवेलेबल है, एंड ब्लूटूथ 5.1 वर्जन का सपोर्ट मिलता है। ओवरऑल कनेक्टिविटी से इशू नहीं होगा आपको। फाइनली प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, तो 6128 के लिए 16,000 rupees है, और 8128 के लिए 18,000 rupees है। दोनों ही वेरिएंट के ऊपर 1,000 से 500 rupees का बैंक डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको। सो इस फोन को अगर हम सम अप करें तो 15 से 16,000 के आसपास अगर आपको एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा हो, ट्रू 5G फोन हो, 120Hz वाला डिस्प्ले हो, और किसी भी तरह के एड्स और ब्लॉटवेयर ना हो, तो डेफिनेटली इस फोन को आप बाय कर सकते हैं। ये रहे इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स, आप पढ़ सकते हैं। और नंबर 2 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है, इस फोन में आपको मिलता है 108 MP वाला कैमरा सेटअप, और इसके साथ ही ये एक 5G फोन भी है। जी हाँ, इस फोन का नाम है Infinix Note 12 Pro 5G। वैसे तो ये फोन 18 से 19 हज़ार के आसपास आता है, बट फिलहाल आपको बिना किसी बैंक ऑफर के 15 से 16 हज़ार के आसपास मिल जाएगा, और इस प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये भी काफी अच्छा स्मार्टफोन है। सो क्या कुछ फीचर्स हमें देखने को मिलता है, चलिए डिटेल में जानते हैं इस फोन के बारे में भी। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो इस फोन का भी डिजाइन बहुत ही अच्छा है, यूनिक डिजाइन के साथ आता है। हालांकि कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड पर ही बना हुआ ये फोन। बाय द वे ये फोन काफी स्लिम भी है, सिर्फ 8 mm की थिकनेस है एंड 188 ग्राम वेट है, तो वेट भी ज्यादा नहीं है। तो ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी अच्छा मिल जाएगा, नो डाउट। चलिए इसके साथ ही कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं।
तो इस फोन में ट्रिपल स्लॉट का ऑप्शन दिया गया है, मतलब दो 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड सेम टाइम पर लगा पाएंगे। और अच्छी बात यह भी है कि इस फोन में आपको मिलता है ड्यूल स्टीरियो स्पीकर जो कि DTS ट्यूनिंग के साथ आता है। और स्पीकर की क्वालिटी ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज्यादा तो अच्छा नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, सिंगल स्पीकर से तो बेटर ही है। बायोमेट्रिक के लिए साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर अवेलेबल है जो कि काफी फास्ट है। आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन भी एंड्रॉइड 12 के साथ आता है बेस्ड ऑन XOX 10.6। बाकी इस फोन में काफी सारे ब्लॉटवेयर मिल जाएंगे आपको जिसे आप इजीली अनइंस्टॉल कर पाएंगे। और इन्फिनिक्स के फोन में हमें बहुत सारे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि इस फोन में आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाएगा बिना अनाउंसिंग वाला जो कि सैमसंग के फोन में मिलता है। जनरली इन्फिनिक्स 20,000 के नीचे वाले फोन में सिर्फ वन ही मेजर एंड्रॉइड अपडेट देता है, तो शायद इस फोन को भी सिर्फ एक ही मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा। खैर कुछ मेन फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस फोन में भी आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी और उसी को चार्ज करने के लिए 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। बैटरी को फुल चार्ज होने में 1.5 घंटे लग जाते हैं और एक दिन से ज्यादा का बैटरी बैकअप इस फोन से भी आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर हम परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको मिलता है MediaTek Dimensity 810 का 5G चिपसेट और ये भी एक वेल ऑप्टिमाइज चिपसेट है, स्टेबल परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। 6 nm पर बना हुआ है, मींस पावर एफिशिएंट है। 360,000 के आसपास अंतुतु स्कोर देखने को मिल जाती है जो कि एक अच्छा स्कोर है चिपसेट के अकॉर्डिंग। UFS 2.2 का फास्ट स्टोरेज टाइप दिया गया है, LPDDR4X वाला रैम मिल जाएगा आपको, 3GB तक वर्चुअली रैम भी बढ़ा पाएंगे और परफॉर्मेंस डिग्रेड ना हो इसलिए इस फोन में भी लिक्विड कूलिंग का सिस्टम दिया गया है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको ज्यादा इशू नहीं होने वाली है, डे टू डे यूजर्स में कोई लैग और जिटरिंग इशू देखने को नहीं मिलती है। बाकी अप टू 40 FPS तक गेम प्ले करवा देगा ये फोन भी आपको। कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो ये फोन 12 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है जिससे ये एक ट्रूली 5G फोन बन जाता है। ड्यूल 4G वोल्टी का सपोर्ट है, 4G कैरियर एग्रीगेशन का भी सपोर्ट है, ड्यूल बैंड वाईफाई के साथ आता है, वाईफाई कॉलिंग भी अवेलेबल है, ब्लूटूथ 5.1 वर्जन का सपोर्ट है, बाकी NFC का सपोर्ट नहीं मिलेगा। सो कनेक्टिविटी के मामले में भी अच्छा रहेगा ये फोन। चलिए कैमरा के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये फोन ट्रिपल रियर कैमरे के साथ आता है जिसमें से प्राइमरी सेंसर 108 MP का दिया गया है, सेकेंड कैमरा 2 MP का है जो कि मैक्रो फोटो के लिए है और थर्ड कैमरा भी 2 MP का है जो कि डेप्थ सेंसिंग के लिए है। तो इस फोन में भी आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं मिलेगा। बाकी रियर कैमरे से 2K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। फ्रंट में 16 MP का कैमरा दिया गया है जो कि यूनोच कैमरा है और फ्रंट कैमरे से भी 2K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इन्फिनिक्स के फोन में और कुछ देखने को मिले न मिले लेकिन 2K वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन दे ही देता है। रियर एंड फ्रंट दोनों ही कैमरे में बोके वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन दिया गया है, तो कैमरा परफॉर्मेंस हमें डिसेंट टाइप की देखने को मिल जाती है। लास्टली डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस फोन में आपको मिलता है 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले जो कि स्टैंडर्ड 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, तो हाई रिफ्रेश रेट नहीं दिया गया है लेकिन 180Hz की टच सैम्पलिंग रेट दी गई है गेमिंग के लिए। 700 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है जो कि अच्छा ब्राइटनेस लेवल है। वाइड 1L1 सर्टिफाइड है, HDR कंटेंट प्ले नहीं कर सकते और डिस्प्ले के ऊपर COG3 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है, तो डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छा है, पंची कलर देखने को मिल जाते हैं, मूवीज वगैरह देखने में अच्छा लगेगा आपको, बस इस नॉच की वजह से थोड़ा सा आउटडेटेड लगता है। फाइनली प्राइसिंग की बात करें तो ये फोन एक ही स्टोरेज टाइप के साथ आता है 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज के साथ जिसके लिए आपको 15,000 रुपए देने होंगे। फिलहाल इस फोन को अगर हम सम अप करें तो अगर आपको 15,000 के नीचे एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसमें सुपर AMOLED डिस्प्ले हो, 12 5G बैंड्स का सपोर्ट हो या फिर 8GB रैम और 128GB स्टोरेज हो तो डेफिनेटली इस फोन को आप बाय कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये रहे इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स, आप पढ़ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं लास्ट स्मार्टफोन के बारे में। और नंबर 1 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है, इस फोन में आपको मिलता है सुपर AMOLED 120Hz वाला डिस्प्ले। इसके साथ इस फोन का डिजाइन वगैरह भी बहुत ही अच्छा है। जी हाँ दोस्तों, इस फोन का नाम है पोको X4 Pro 5G। फिलहाल ये फोन भी आपको 15,000 के नीचे मिल जाएगा और इस प्राइस पॉइंट पर बहुत ही किलर डील है। चलिए डिटेल में जानते हैं इस फोन के बारे में भी। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो ये फोन ग्लास बैक के साथ आता है, बाकी फ्रेम जो है वो प्लास्टिक का है। ये फोन काफी पतला भी है, सिर्फ 8.1 mm की थिकनेस दी गई है एंड 205 ग्राम वेट है, तो वेट थोड़ा सा ज्यादा है। अच्छी बात यह है कि IP53 की रेटिंग मिल जाती है, तो हल्का फुल्का पानी गिर जाता है तो कोई इशू नहीं होगा। तो ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, सॉलिड डिजाइन मिलता है आपको। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको मिलता है ड्यूल स्टीरियो स्पीकर जो कि डॉल्बी एटम साउंड के साथ आता है और स्पीकर की क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त है। इस फोन में हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है, मतलब दो सिम या फिर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे आप। और आयर ब्लास्टर भी है। बायोमेट्रिक के लिए साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो ये फोन MIUI 13 पर रन करता है बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11।
और वैसे पोको ने प्रॉमिस कर रखा है कि 2 ईयर्स तक मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा इस फोन में आपको, बट अभी तक एंड्रॉइड 12 का अपडेट नहीं आया इस फोन के अंदर। खैर कुछ मेन फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस फोन में आपको मिलता है 5000 मिली एम्पीयर की बड़ी बैटरी और उसी को चार्ज करने के लिए 67 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। बैटरी को फुल चार्ज होने में 40 से 50 मिनट लग जाते हैं और एक दिन का बैटरी बैकअप इस फोन से आपको मिल जाएगा। अगर हम डिस्प्ले के बारे में बात करें, जो कि इस फोन का सबसे बेस्ट पार्ट है, तो इस फोन में आपको मिलता है 6.67 इंचेस की फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 360 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट दी गई है एंड अप टू 1200 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छा ब्राइटनेस लेवल है। वाइड वन एल1 सर्टिफाइड है, एचडीआर कंटेंट प्ले नहीं कर सकते आप और डिस्प्ले के ऊपर COG5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। तो डिस्प्ले आपको प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग बहुत ही कमाल का मिल जाएगा। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो अगेन इस फोन में भी आपको स्नैपड्रैगन 695 का 5G चिपसेट मिल जाएगा, जो कि अगेन 6nm पर बना हुआ है, मींस पावर एफिशिएंट है। 4 लाख के आसपास अंतुदु स्कोर देखने को मिल जाती है, जो कि अच्छा स्कोर है। UFS 2.2 का स्टोरेज है, LPDDR4X वाला रैम है, 3GB तक वर्चुअली रैम बढ़ा पाएंगे और इस फोन में भी आपको लिक्विड कूलिंग का सिस्टम मिल जाएगा, तो परफॉर्मेंस आपको कोई इशू नहीं होगा। और वैसे भी पोको के स्मार्टफोन परफॉर्मेंस सेंट्रिक होते हैं। BGMI में 40fps तक गेम प्ले दे देगा ये फोन भी आपको। कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो ये फोन 7 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, ड्यूल 4G वोल्टेज के साथ आता है, 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन का भी सपोर्ट है, वाईफाई कॉलिंग भी अवेलेबल है, ब्लूटूथ 5.1 वर्जन के साथ आता है, तो कनेक्टिविटी के मामले में ये फोन भी काफी सही रहने वाला है। लास्टली कैमरा के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये फोन ट्रिपल रियर कैमरे के साथ आता है, जिसमें से प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का है जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है, और थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है जो कि मैक्रो फोटो के लिए है। रियर कैमरे से 1080p में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो इस फोन में भी आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और फ्रंट में अगेन आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा और इस कैमरे से भी 1080p में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो इस फोन का कैमरा परफॉर्मेंस डिसेंट टाइप का है, मतलब ठीक ठाक देखने को मिल जाती है, बट लो लाइट कैमरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। प्राइसिंग की बात करें तो 6/64 के लिए 16,000 रुपये है, 6/128 के लिए 17,000 रुपये और 8/128 के लिए 19,000 रुपये है, और 1,000 से 1,500 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट भी आपको मिल ही जाएगा। बाकी ये रहे इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स, आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यही थे इस लिस्ट के टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन अराउंड 15,000। प्राइजेस हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बाकी इन सभी स्मार्टफोन के बेस्ट वैल्यू डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और अभी भी आपको कुछ डाउट और कंफ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हैं। और अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।